चल रहे थे, पुलिस को देखकर वापस लौट रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ लिया और जिद कर रहे हैं भाई पुलिस के साथ। कुछ गाड़ियां जहां बिना नंबर प्लेट के हैं, जिस तरह से नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बताया रुड़की के मालवे चौक पे खड़े और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस और गंगर कोतवाली पुलिस लगातार अभियान चलाए हुए हैं और आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी ये जो लोग खड़े हैं, भीड़ लग रही है यहाँ पर, इनकी चेकिंग की जा रही है। संदिग्ध अवस्था में जो लोग हैं, कोई चैन स्केचर की घटना ना हो, किसी प्रकार की घटना ना हो, उनकी रोकथाम, अपराध की रोकथाम के लिए और साथ ही ट्रैफिक पुलिस के नियमों की कोई उल्लंघन न करे, उसको लेकर यहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। SSP हरिद्वार के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। बात करेंगे इंस्पेक्टर मनीष उपाध्याय और इंस्पेक्टर यातायात अखिलेश कुमार से। हमारे साथ अभी गंगनर कोतवाली के जो प्रभारी निरीक्षक है मनीष उपाध्याय, सर से जानेंगे सर अब तक कितने वाहन सीज कर चुके हैं और किस तरह का लेकर चेकिंग अभियान चलाया है। देख रहे हैं भाई रुड़की में लगातार चेकिंग चल रही है, पिछले काफी दिनों से चेकिंग का अभियान चल रहा है, जिसमें मोस्टली हमारा है कि संदिग्धों को चेकिंग की जाए, संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जाए। जो छीना झपटी या लूट की घटनाएं होती है वो इन्हीं वाहनों से ज्यादा होती है, तो उन्हीं को हम टारगेट किए हुए हैं। श्रीमान SSP महोदय के नेतृत्व में ये चेकिंग चल रही है और ये लगातार जारी है, कई पिछले दिनों से आगे भी लगातार जारी रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बताया रुड़की के मालवे चौक पे खड़े और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस और गंगर कोतवाली पुलिस लगातार अभियान चलाए हुए हैं और आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी ये जो लोग खड़े हैं, भीड़ लग रही है यहाँ पर, इनकी चेकिंग की जा रही है। संदिग्ध अवस्था में जो लोग हैं, कोई चैन स्केचर की घटना ना हो, किसी प्रकार की घटना ना हो, उनकी रोकथाम, अपराध की रोकथाम के लिए और साथ ही ट्रैफिक पुलिस के नियमों की कोई उल्लंघन न करे, उसको लेकर यहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। SSP हरिद्वार के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। बात करेंगे इंस्पेक्टर मनीष उपाध्याय और इंस्पेक्टर यातायात अखिलेश कुमार से। नियमों का उल्लंघन कर उनको रोका जा रहा है, कुछ को समझाया जा रहा है, कुछ ज्यादा संदिग्ध उनकी बाइकें भी हमने बंद की है, सीज की है और MBS के नियमानुसार विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है। सर अभी हेलमेट को भी लेकर भी कोई आपने अभियान चलाया हुआ है? इसमें हेलमेट की सभी MBS के जो भी अभियान है सभी इसमें लागू हैं, चाहे वह MBS हो, चाहे ट्रिपल राइडिंग हो, मोस्टली सभी में करवाई। साथ यातायात प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार जी हैं, सर क्या कहना चाहेंगे आज की जो चेकिंग को लेकर, जिस तरह बताया सर ने कि भाई SSP महोदय के द्वारा ये संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? अभियान चलाया जा रहा है, इसमें जो रैश ड्राइविंग, जो व्हीकल रैश ड्राइविंग करते हैं उनके खिलाफ चलाया जा रहा है। और आपने देखा होगा ज्यादातर जनरली जो गाड़ियां में जो किसी अपराध में मिलती है उनमें नंबर प्लेट्स वगैरह नहीं होती है, संदिग्ध रहती है, तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है तो इससे इस पर अंकुश लगेगा और भविष्य में जो ऐसे वाहन हैं जो यहाँ पे दौड़ते हैं इस प्रकार के से उन पे भी अंकुश लगेगा यहाँ पे। सर उनके लिए क्या कहेंगे, जिस तरह से जो नंबर प्लेट होती है उन पर हम देखते हैं भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बताया रुड़की के मालवे चौक पे खड़े और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस और गंगनर कोतवाली पुलिस लगातार अभियान चलाए हुए हैं और आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी ये जो लोग खड़े हैं, भीड़ लग रही है यहाँ पर, इनकी चेकिंग की जा रही है। संदिग्ध अवस्था में जो लोग हैं, कोई चैन स्केचर की घटना ना हो, किसी प्रकार की घटना ना हो, उनकी रोकथाम, अपराध की रोकथाम के लिए और साथ ही ट्रैफिक पुलिस के नियमों की कोई उल्लंघन न करे, उसको लेकर यहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। SSP हरिद्वार के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। बात करेंगे इंस्पेक्टर मनीष उपाध्याय और इंस्पेक्टर यातायात अखिलेश कुमार से। चीजें लिखवा रहा है कोई उसको लेकर, ये इलीगल नंबर प्लेट में आता है। अगर इसमें जो नंबर प्लेट होता है उसमें केवल जो फॉर्मेट होता है जिसमें जो MBS में जो निर्धारित मानक है उसी के अनुसार उसमें अंकित होना चाहिए, उसके अलावा अगर उसमें कुछ भी लिखा हुआ है तो उसमें इल्लीगल दोषपूर्ण नंबर प्लेट में उसका चालान किया जाएगा। तो सर आज तक अभी तक कितने चालान काट चुकी है पुलिस यहाँ पर? अभी देखिए अभी तो ओवर स्पीड के चालान हम लोगों ने किया है, ये भी अभियान के तहत में है और अभी चालान चल रहे हैं, 10-15 चालान हो चुके हैं और ये कंटिन्यू रहेगा अभी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा जिस तरह से नंबर प्लेट देखिए, जो नंबर प्लेट है साहब बोल रहे हैं कि जो नियम है ट्रैफिक के उसके अनुसार होना चाहिए, यदि नहीं है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जो फॉर्मेट नंबर प्लेट के हैं या फिर जिन गाड़ियों के पीछे नंबर नहीं है या फिर गाड़ियों का जो फॉर्मेट है वो सही से नहीं, इस तरह की लगनी चाहिए, या फिर गाड़ियों के पीछे आप देखते हैं यहाँ पर नंबर प्लेट ही नहीं है, तो काफी ऐसी जो नियमों का उल्लंघन, जो ट्रैफिक के नियमों का, यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो स्पीड से ओवर होके चल रहे हैं उनके भी चलान यहाँ पर पुलिस कर रही है।
और जब चेकिंग चल रही थी पुलिस को देखकर वापस लौट रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ लिया और जिद कर रहे हैं भाई पुलिस के साथ। आने जाने वाले वाहनों को, जो दोपहिया वाहन है उन्हें यहाँ पर पुलिस रोक रही है। ये सीधा आपको दिखाया जा रहा है रुड़की के मालवे चौक से, जहाँ पर इस समय गंगनहर कोतवाली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस संयुक्त अभियान चलाए हुए हैं। जिले के जो कप्तान आए हैं प्रवेंद्र डोभाल, उनके सख्त निर्देश है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति किसी प्रकार का कोई वाहन चोरी करके तो नहीं जा रहा, जिसको लेकर ये अभियान चलाए हुए हैं। जिन गाड़ियों के पीछे नंबर नहीं है उनको भी रोका जा रहा है, और जो बिना हेलमेट के हैं उनको भी रोका जा रहा है। ये अभियान लगातार रुड़की में कई दिनों से चल रहा है, और अभी आपको दिखाया जा रहा है रुड़की के मालवे चौक से ये अभियान। यहाँ पर आ सकते हैं जो अखिलेश कुमार है रुड़की के ट्रैफिक इंस्पेक्टर, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और जो मनीष उपाध्याय गंगनहर कोतवाली प्रभारी हैं वो भी यहाँ पर अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे हैं।